नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। अब देख रहे हैं टेक इंडिया टेक रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। ये क्या फुल्ली गेमिंग स्मार्टफोन है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, क्या क्या सैमसंग की तरफ से नया टाइप का फीचर्स इस बार दिया गया, इस पेन में आपको कैसा टाइप का फीचर्स मिल जाता है, कैसा टाइप का एक्यूरेसी आपको मिल जाता है इस पेन में, फुल डिटेल्स वीडियो में बात करूंगा। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर आप नया टाइप का कुछ कूल गैजेट्स अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर परचेज कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 6.9 इंच का WQHD+ डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 2x डिस्प्ले आपको मिल जाता है। डिवाइस में आपको इन्फिनिटी डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल का न्यू टाइप का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 120 हर्ट्ज का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बहुत ही फास्ट टच रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। डिवाइस में आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास का 7 का प्रोडक्शन मिल जाता है, बहुत ही हार्डी टच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डिस्प्ले का क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में सैमसंग का एक्जेनस का 990 7 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड की अगर बात करते हैं तो 2.4 GHz में क्लॉक्ड है। रैम की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 12 GB का LPDDR5 रैम मिल जाता है, बहुत ही लेटेस्ट रैम आपको देखने को मिल जाता है। रोम की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 256 GB का UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, बहुत ही फास्ट स्टोरेज एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा डिवाइस से। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे से कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, गेमिंग भी आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी कर पाएंगे। मेनली सैमसंग की तरफ से जो ग्लोबल वर्जन लॉन्च हुआ है नोट 20 अल्ट्रा का, सैमसंग की तरफ से मेनली स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया था। सैमसंग भी अगर इंडिया में सेम प्रोसेसर के साथ आता तो ज़्यादा तगड़ा फोन हो सकता था। फ्रेंड, आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बताएं। कैमरा की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा वॉइस का सपोर्ट भी मिल जाता है, F1.8 एपर्चर के साथ आता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको डिवाइस में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल जाता है। इस कैमरा से मेनली आप दूर का फोटोज को बहुत इजीली बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कर पाएंगे, देख पाएंगे। जैसे कि आपको 5x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, 50x का टोटल जूम भी आपको डिवाइस में देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है इसके साथ ही। कैमरा के कुछ फीचर्स की अगर बात कर दें तो आपको भरपूर फीचर्स आपको मिल जाता है इस डिवाइस में। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रो वीडियो रिकॉर्डिंग, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग, फुल HD वीडियोज़ को 120 FPS में कर पाएंगे। कैमरा की अगर बात करें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वालिटी कैमरा एक्सपीरियंस आपको देखने मिल जाता है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बताएं। बैटरी की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 4500 mAh का हाई कैपेसिटी बैटरी मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में 25W का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है। बैटरी के कुछ फीचर्स की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में फर्स्ट वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस पावर शेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करते हैं, नॉर्मली आपके डिवाइस को 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे ही देता है। डिवाइस का कुछ फीचर्स की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर, एस पेन का सपोर्ट मिल जाता है। इस बार सैमसंग की तरफ से एस पेन का बहुत हद तक अपडेट किया गया। एस पेन का मिलनी एक्यूरेसी को 9 मिलीसेकंड तक रखा गया। डिवाइस में आपको कर्व डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, IP68 का रेटिंग मिल जाता है, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस टेक्स लिंक टू विंडोज़ का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि इजीली अपने डिवाइस को विंडोज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। डिवाइस का सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपके डिवाइस को बहुत तेज़ी से आपको डिवाइस को एक्यूरेसी से अनलॉक कर देता है। डिवाइस में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है इसके साथ ही। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको डिवाइस में सैमसंग का 1-way मिल जाता है, बहुत ही सिक्योर इंटरफेस आपको सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो आपको डिवाइस में 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में Type-C ईयरफोन, Type-C to Type-C केबल का सपोर्ट भी मिल ही जाता है। OS और एंड्रॉयड की बात करें तो आपको डिवाइस में 1Y 2.5 का मिल जाता है सपोर्ट। इसके साथ ही आपको डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। 1Y की बात करें तो बहुत ही सिक्योर इंटरफेस सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। सेंसर की बात करें तो आपको डिवाइस में सारे तरह का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको डिवाइस में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेंड, प्राइस की अगर बात करते तो 12 GB रैम, 256 GB रोम वेरिएंट 1,05,000 करीब आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, आपको अगर सैमसंग का फ़ोन ही चाहिए, सैमसंग का नोट सीरीज का फ़ोन चाहिए, एस पेन का फीचर्स चाहिए तो फोन को जरूर से चेक करें। फ्रेंड, अगर सैमसंग का एक्जेनस का 990 प्रोसेसर नहीं देखे, स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर दे देता तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का परफॉर्मेंस इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता था।
इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन का कौन सा फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना, ऐसे टाइप को मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड आप कुछ नया तरह का कूल गैजेट्स अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें। फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।